महाराष्ट्र की सियासत में शहमात का खेल तेज है। भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। शरद पवार ने बागी रुख अपनाने वाले विधायकों की वापसी का ताना बाना बुनना शुरू किया है, तो दूसरी तरफ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रोहित पवार सियासी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अचानक से हाईलाइट हुए रोहित पवार कहीं अब एनसीपी में अजीत पवार के विकल्प के तौर पर तो नहीं उभर रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि शरद पवार ने अब उन्हें आगे बढ़ाने का मन बना लिया है। यही कारण है कि संकट के इस वक्त में रोहित ही शरद पवार के सबसे करीब नजर आ रहे हैं। एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार के साथ पार्टी के विधायक रोहित पवार बड़ी खामोशी के साथ बने हैं। इस मुश्किल घड़ी में साथ चलने वाले रोहित राजेंद्र पवार दरअसल मराठा नेता शरद पवार के पोते हैं। वो पवार फैमिली की तीसरी पीढ़ी से हैं, जो राजनीति में सक्रिय हैं। रोहित के दादा अप्पा साहेब थे, जो शरद पवार के सगे बड़े भाई हैं। शरद पवार के चार भाई बहन हैं। अप्पा साहेब से छोटे अनंत राव थे, जिनके बेटे अजीत पवार हैं। ऐसा नहीं है कि 37 साल के रोहित पवार अचानक चाचा के बगावत के बाद सेंटर स्टेज पर दिख रहे हैं। पवार फैमिली के इस युवा नेता ने अपने गढ़ बारामती में ही राजनीति और सहकारिता की लंबी ट्रेनिंग ली है। 2017 में रोहित बारामती से जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में उन्हें एनसीपी की कर्जत जामखेल विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। इस चुनाव में रोहित जीते और विधायक बने। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार के ताकतवर मंत्री राम शिंदे को हराया था। रोहित एक बिजनेस को भी लीड करते हैं। वो बारामती एग्रो लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी हैं। रोहित इसके अलावा पवार फैमिली के सबसे मजबूत सेक्टर शुगर मिल से जुड़े हैं। वो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पवार फैमिली की महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से दखल रहा है। फिलहाल रोहित पवार ही महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। चर्चा है कि अजीत पवार के बागी होने के बाद शरद पवार की नजरें पोते रोहित पवार पर टिक गई हैं। हालांकि शरद पवार ने उन्हें पहले से ही फैमिली के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर ग्रूम किया है। रोहित भी समय समय पर बताते रहे हैं कि उन्हें दादा शरद पवार राजनीति का ज्ञान देते रहे हैं। अब जब पार्टी बंटवारे के पचड़े में फंसी है, तब रोहित को पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है। रोहित के पिता राजेंद्र पवार कृषि विकास ट्रस्ट के संस्थापक रहे हैं। उनकी माँ सुनंदा राजेंद्र पवार सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। पत्नी का नाम कुंती पवार है और दोनों को दो बच्चे हैं। उनकी फैमिली की नेटवर्थ 1.5 मिलियन बताई जाती है। अगस्त 2022 में रोहित पवार प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आए थे। ग्रीन एकर रिसोर्ट एंड रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रहे रोहित से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। एनसीपी में पिछले कुछ दिनों से ही हलचल मची थी। इस बीच रविवार को बड़ा खेल हुआ। अजीत पवार 8 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए। अब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ आए 8 नेताओं को मंत्री पद दिया गया है। हालांकि अजीत पवार ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। राज्य में अब भाजपा शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार चल रही है। 24 घंटे के भीतर ही पूरा गेम बदल दिया गया है, जबकि शरद पवार अभी पार्टी के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं। हालांकि अजीत पवार गुट के लोगों ने शरद पवार का आशीर्वाद होने का दावा किया है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट कालखंड।